वेलकम बैक अवर नेक्स्ट साइंस क्लास. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट साइंस क्लास. सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 18 वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड वी ऑल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ यूजेस ऑफ वाटर सीवेज. सो सीवेज वर फोर टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड कंपोनेंट्स: फ्यूल वेस्ट, सेल्यूलेज एंड थर्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड स्टॉर्म वेस्ट. ओके, एंड सीवरेज सिस्टम द वेस्ट वाटर कैरिड आउट बाय हाउस बाय पाइप इज कॉल्ड सीवर. देखिए, जो वेस्ट वाटर हमारे घरों से निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीवर बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सैनिटेशन एंड डिसीज, स्वच्छता और बीमारी. सैनिटेशन मीन्स होता है स्वच्छता और बीमारी. देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन सैनिटेशन एंड डिसीज. देखिए, जो स्वच्छता होती है और बीमारी जो होती है उनमें एक अपना ही क्लोज रिलेशन है, बहुत नजदीकी रिश्ता है. डिजीज जनरली स्प्रेड इन द लोकेलिटीज वेयर सैनिटरी कंडीशन इज वेरी पुअर. देखिए, बीमारियां कहाँ फैलती है, जहां पर साफ सफाई नहीं रहती है, जहां पर गंदगी बहुत ज्यादा रहती है, ऐसी जगह बीमारियां ज्यादा फैलती है. वाटर इज जनरली कंटेमिनेट ड्यू टू इनसैनिटरी कंडीशन. और जो वाटर होता है, जो सामान्य तौर पर जो वाटर होता है, इनसैनिटरी कंडीशन अस्वच्छता के कारण ही पानी खराब होता है और बीमारियां फैलती है. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं WHO, उनके अनुसार पुअर सैनिटेशन एंड इनएडिक्वेट सीवेज डिस्पोजल आर द नेशन बिगेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. जो बहुत गंदी जगह रहती है, बहुत ही ज्यादा मतलब साफ सफाई नहीं होती, जहाँ पर बहुत ज्यादा मक्खियाँ, बहुत सारे कीटाणु बैक्टीरिया रहते हैं, वो हमारे इंडिया की बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है. उसी के द्वारा अधिकतर बीमारियां फैलती है कि लोग स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं. जो सीवेज सिस्टम रहता है, जो ड्रेनेज सिस्टम रहता है, वो खुला रहता है, जैसे मक्खी होती है, मच्छर होते हैं, उनसे बहुत सारी बीमारियां होती है. इन मेनी एरियाज लाइक स्लम्स, वो अधिकतर ऐसे सेफ है जैसे स्लम्स, देयर इज नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. जहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं हो पाता है, डिस्पोज ऑफ सीवेज, जहाँ पर जो घरों का गंदा पानी है, फैक्ट्रियों का गंदा पानी है, हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल जो गंदा पानी होता है, उसे डिस्पोज करने का एक प्रॉपर क्षेत्र नहीं है या प्रॉपर सिस्टम नहीं है. एज अ रिजल्ट, और इसके परिणाम क्या होते हैं, सीवेज कलेक्ट इन पूल्स एंड स्टैंडर्ड्स. तो वो पानी इकट्ठा होता है, वो कहाँ होता है, पूल्स में, गड्ढों में इकट्ठा होता है, स्टैंडर्ड्स में इकट्ठा होता है, बिकमिंग अ परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज. और उसके बाद क्या होता है, उसमें मक्खियां उड़ना शुरू हो जाती है, मॉस्किटोज एंड जर्म्स उत्पन्न हो जाते हैं. दिस रिजल्ट इज, तो परिणाम ये होता है, स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज लाइक येलो फीवर, मलेरिया, डेंगू, कोलेरा. जब ऐसी जगह में गंदगी फैलती है, जब ये मच्छर मक्खी फैलते हैं, उससे क्या होता है, बुखार आता है, मलेरिया होता है. हम सभी जानते हैं मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, डेंगू होता है, कोलेरा जैसी बीमारियां होती है. डीके ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर, और जो वेस्ट वाटर रहता है, जो घरों से पानी निकलता है, उसमें जो ऑर्गेनिक डीके, जो खराब पदार्थ रहते हैं, वो उसमें मिल जाते हैं. विच लीड्स टू अनप्लेजेंट स्मेल, जिससे क्या होती है, बहुत गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है, उससे भी लोग बीमार पड़ते हैं. पॉल्यूशन ऑफ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर, और जो सरफेस वाटर रहता है, जो ग्राउंड वाटर रहता है, जो अंदर का पानी रहता है, सरफेस जो ऊपर का पानी रहता है, वो भी क्या होता है, खराब होना शुरू करता है, खराब होना स्टार्ट करता है. वही पानी हम पीने उसको यूज करते हैं, अपने डेली चीजों में यूज करते हैं. फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, यदि हम पानी को डिस्पोजल अच्छी तरह से करें, अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इज रिक्वायर्ड. इसके लिए हमें एक अच्छे ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता है. कवर ड्रेन शुड कैरी सीवेज टू ट्रीटमेंट प्लांट्स वेयर इट इज मेड फिट फॉर यूजेज, वी यूज ओ टू फ्लो इन टू वाटर बॉडीज. हमें जो ड्रेन्स खुले रहते हैं, उन्हें कवर ढक कर रखना चाहिए. केरी सीवेज टू ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट होते हैं उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए. जो भी सीवेज सिस्टम है उन्हें प्लांट्स वेयर इट इज मेड फिट फॉर यूज, और जो पानी है उसे भी यूज करना चाहिए, वो टू फ्लो इन टू वाटर बॉडीज. समटाइम्स क्लीन वाटर कैन गेट कंटेमिनेटेड ड्यू टू लीकेज इन वाटर. कभी कभी ऐसा होता है, जो साफ पानी रहता है, वो भी क्या होता है, लीकेज होना शुरू होता है. एंड सीवेज लाइन से स्पेशली इफ द पास क्लोज टू ईच अदर, यदि वो एक दूसरे के बहुत पास है, भी सीवेज सिस्टम पास हो, क्लीन वाटर की जो पाइप है लाइन वो भी पास हो, तो वो क्या होती है, बहुत प्रॉब्लम वाली बात होती है. अनदर हैजर्ड्स कंडीशन कॉजेज ड्यू टू ओवरफ्लो सीवेज, और जिससे क्या होता है, जो पानी का वो ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. सीवेज सेंटर इज एवर ओवरफ्लो, SSO बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सैनिटरी सीवर ओवरफ्लो, जिससे क्या होता है, जो खराब पानी है, जो गंदा पानी है, वो भी क्या होता है, ओवरफ्लो होना, या साफ पानी के भी पाइपलाइन घूम जाता है, उससे भी क्या होता है, साफ पानी ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है.
हम एक साथ में हमारा सैनिटरी सीवर ओवरफ्लो जिसे बोलते हैं हम SSO, ओके, सैनिटरी मतलब स्वच्छता, सीवर ओवरफ्लो मतलब ओवरफ्लो होकर पानी को बहना। इट इज अ कंडीशन वेयर बाय सीवेज इज डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द एनवायरनमेंट। देखिए ये वह कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो सीवेज होता है डिस्चार्ज होता रहता है डायरेक्टली एनवायरनमेंट में। द मेन कॉज ऑफ SSO और SSO का मेन कारण क्या होता है, आर द इनफिल्ट्रेशन ऑफ एक्सेसिव स्ट्रॉन्ग वाटर। जो इनफिल्ट्रेशन होता है जो पानी का स्ट्रॉन्ग वाटर इनटू सीवर लाइंस ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, यदि भारी बारिश होती है ज्यादा पानी हो जाता है तो क्या होता है ओवरफ्लो होने लग जाता है ड्रेन सिस्टम में से, सीवेज लाइन में से, एंड रिपेयर ऑफ ब्लॉकेज ऑफ सीवेज लाइन। और क्या होती है, ब्लॉकेज लाइन जो होती है, पाइप लाइन जो होती है, सीवेज लाइन जो होती है, क्या होती है, वो ब्लॉकेज हो जाती है, फुल हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। SSO इज अ मेजर प्रॉब्लम, और जो SSO है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इट हैज एडवर्स अफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, जो क्या करते हैं ह्यूमन हेल्थ को, मानव जो हेल्थ होती है उनकी बहुत इफेक्ट करते हैं। कॉन्टिमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, उनके पीने के पानी में वही यूज होता है। ग्राउंड वाटर एंड स्पिलेज इनटू द इमीडिएट एनवायरनमेंट स्प्रेड डिजीज कॉजिंग, और इससे क्या होता है जब ग्राउंड एनवायरनमेंट में ग्राउंड पर फैलने लगता है तो बीमारियां कारण बनने लगता है। जैसे टैक्सागोनस मैक्स एक्वेटिक एनिमल्स को, जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, अनफिट फॉर ह्यूमन कॉन्सेप्शन में, जो ह्यूमन कॉन्सेप्शन होता है वो होने लगता है। एंड अपसेट द इकोलॉजिकल बैलेंस इन लेक्स एंड रिवर्स, उससे क्या होता है जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है हमारा, जो तालाब जो नदी झील होता है इनका बैलेंस भी बिगड़ जाता है। जो सैनिटरी सीवर ओवरफ्लो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, जिसे बोलते हैं SSO, एस मतलब सैनिटरी, एस मतलब सीवर, ओ मतलब ओवरफ्लो। तो ये था हमारा सैनिटरी सीवर फ्लो, और सेकेंड में था हमारा सैनिटरी एंड डिसीज मतलब बीमारियां और स्वच्छता, ये दोनों ही हमारे लिए, यदि हम अपने आसपास के एरिए को साफ नहीं रखेंगे, वहाँ पानी इकट्ठा करेंगे तो वहाँ से स्मेल आना शुरू हो जाएगी, वहाँ पर मच्छर मक्खियाँ होना शुरू हो जाएंगे, जो हमारे लिए बीमारियों का कारण बन सकते हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ, कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।